गृह मंत्री अमित शाह अब लोकसभा में जिस मुद्दे पर अपनी बात कहने वाले हैं, पहले हम आपको वो पूरा मामला बता देते हैं। अमित शाह पिछले महीने पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए थे। वहां वो शांति निकेतन गए और एक जगह बैठकर विजिटर बुक में अपनी बात लिखी थी। विवाद उस जगह को लेकर हुआ जहां अमित शाह बैठे थे। हमारे ओमिशा जी जाकर ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर की जो चिया थी उसमें जाके बैठ जाते हैं। लोग आपको क्या कहते हैं पता नहीं, आप जाके बैठ जाते हैं, ये असम्मान होती है। मैं ये कह रहा हूं कि आप इससे बच के चलिए। आप जहां जाइए वहां की जो संस्कृति है, वहां का जो कल्चर है उस पे, और वहां का जो इतिहास है उस पे थोड़ा गौर करके आप जाइए। एक बार नहीं, 100 बार जाइए। मेरे पास विश्व भारती के उपकुलपति का पत्र है जिसमें मैंने उनसे स्पष्टता मांगी है कि सारे फोटो का वीडियोग्राफी का एनालिसिस कर बताया जाए कि कहीं मैं बैठा हूं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। जहां पर मेरे बैठने का जिक्र किया है वो एक खिड़की है और खिड़की पर सभी को बैठने की व्यवस्था है। गृह मंत्री ने पहले तो अधीर रंजन के आरोप की सच्चाई पूरे सदन को बताई, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो रिकॉर्ड सदन के सामने रखे उससे अधीर रंजन के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। माननीय उसी स्थान पर भारत की पूर्व राष्ट्रपति भी बैठी हैं, प्रणव दा भी बैठे हैं, श्री राजीव गांधी भी बैठे हैं और मैं भी बैठा हूं। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जब आई तब भी उन्होंने स्मारिका के अंदर उसी स्थान पर बैठकर अपनी टिप्पणियां लिखी। अमित शाह के इस जवाब के बाद अधीर रंजन की बोलती बंद हो गई। वो अपने ही आरोप का बचाव तक नहीं कर सकने की हालत में बचे। लेकिन अमित शाह यहीं चुप नहीं हुए। इसके बाद उन्होंने सदन को जो दिखाया उससे पूरी कांग्रेस पार्टी ही मुश्किल में आ गई। मैं इसमें इनका दोष नहीं देखता, उनका पार्टी का जो बैकग्राउंड है उनके कारण इनकी गलती हो गई। मान्यवर मैं तो नहीं बैठा वो कुर्सी में, मगर मेरे पास दो फोटोग्राफ निकले हैं। श्री जवाहरलाल नेहरू जी उस कुर्सी में बैठे हैं जहां पर ठाकुर बैठा था, ये रिकॉर्ड पर है फोटोग्राफ। और दूसरा फोटो है श्री राजीव गांधी का, वो ठाकुर साहब के सोफे में बैठकर आराम से चाय पी रहे हैं। तो इसके कारण उनके मन में गलतफहमी हो सकती है, मगर मेरा कृपया आपसे अनुरोध है कि रिकॉर्ड को स्पष्ट कर दिया जाए और इस बात को मैं जो दादा की अपील पर इसको सदन के पटल पर भी रखना चाहता हूं, जिससे हमेशा के लिए ये रिकॉर्ड का हिस्सा बने। अधीर के आरोपों का जवाब देने के लिए अमित शाह पूरी तैयारी से आए थे। उन्होंने सदन के सामने विश्व भारती के उप कुलपति की चिट्ठी भी रखी। इस चिट्ठी में भी अधीर रंजन के आरोपों को बेबुनियाद बताया गया था। ABP News आपको रखे आगे।